दोस्तों नमस्कार। क्या वाकई में भारत की मौजूदा सरकार हमारे संविधान को बदलना चाहती है? यह गंभीर सवाल है, इसलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसके अध्यक्ष हैं विवेक देवराय साहब ने 15 अगस्त के दिन मिंट अखबार के माध्यम से एक आलेख लिखकर कहा कि संविधान को बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने जबरदस्त दलीलें भी दी हैं। अब वो दलीलें उनकी जो जबरदस्त ढंग से लिखी गई है उनमें कितना दम है उसकी हम जरूर चर्चा आज करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इतने महत्वपूर्ण सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति ने खुल करके मौजूदा संविधान की एक तरह से निंदा की है, कई मुद्दों पर आलोचना भी की है और उन्होंने पुराने संविधान को रिजेक्ट करने के अंदाज में नए संविधान की जरूरत पर जोर दिया है। अब जैसे भी उन्होंने जो बात कही है मैं तो इसको निंदा ही मानता हूं। और आप स्वयं सोचें जो उन्होंने कहा है ये निंदा है कि नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये संविधान जो अभी प्रयोग में है ये ओन ऑफ निवेशक लिगेसी है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि यह 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक तरह से उसका ही विस्तार है। इसमें विवेक देवराय साहब कहते हैं कि 2047 के इंडिया के लिए बिल्कुल नए संविधान की जरूरत है। वो कोट भी करते हैं कहीं से कि 17 साल किसी संविधान की आयु होती है। अब चीजें बदल गई हैं, इस बदलाव में नए संविधान की जरूरत है। यही नहीं दोस्तों, उनका तो ये भी कहना है कि समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र जैसे जैसे जो शब्द है हमारे संविधान में, इनके आज क्या मायने हैं, इसकी तो व्याख्या करनी ही पड़ेगी। और जो ओन ऑफ निवेश एक विरासत की बात वो करते हैं, चिंता की बात यह है कि मौजूदा जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसमें अभी तक पार्लियामेंट का सीजन हो रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग ओन ऑफ निवेश ही कहते आ रहे थे। उसको बार बार कहते थे जब नए नए संसद भवन की बात चली कि भाई नया संसद भवन बनना चाहिए मोदी सरकार के दौरान, तो बार बार कहा गया कि जो पुरानी सांसद हैं, जो संसद बिल्डिंग है पुरानी, वो औपनिवेशिक लिगेसी का हिस्सा है। तो जो भी लिगेसी आपको दिखाई देती है या उपनिवेश काल से पहले जो लिगेसी आपको दिखाई देती है, चाहे मुगल काल हो चाहे और कोई काल हो, उस हर लिगेसी को मिटाने की बात जो आजकल की जा रही है, तो इस बात का डर विवेक देवराय के आलेख से, उनकी दलीलों से वाकई बढ़ जाता है कि अगर इस संविधान को औपनिवेशिक लिगेसी का हिस्सा बता रहे हैं तो क्या इसको भी बदला जाना है? क्या इसको भी बदलने की बात तय हो रही है? हालांकि अब यह चतुराई कर लीजिए या सच्चाई कह लीजिए, सरकार की तरफ से, और सरकार ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री जी की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसकी तरफ से कहा गया है, परिषद के जो अध्यक्ष हैं विवेक देवराय, उन्होंने इस लेख में जो जो बातें कही हैं वो उनकी निजी राय है। जैसा मैंने कहा कि यह सरकार की तरफ से, परिषद की तरफ से जो बयान दिया गया है यह सरकार की चतुराई भी हो सकती है या सच्चाई भी हो सकती है। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अब तक देखा यही गया है दोस्तों की जिसे ओन्फ निवेशक लिगेसी का हिस्सा कहा गया है उसे मिटाने की या उसको बदलने की इस सरकार ने या इसके पहले भी कोशिश की गई है। तो विवेक देवराय साहब ने क्या क्या कुछ और कहा है इसके, इसको मैंने कहीं नोट किया है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना दूं सो दैट कि आप इन चीजों को मद्देनजर रखकर हमारे विश्लेषण पर जाइएगा और उसका आकलन कीजिएगा। जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं, मेरे हिसाब से जो बहुत आपत्तिजनक है कि 2047 के लिए नए संविधान की जरूरत है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि इस संविधान को अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें बदल दी गई हैं, तो ये 1950 वाला संविधान रहा भी नहीं गया है। इसके अलावा वो एक जगह मजाक किया, मतलब व्यंग करते हैं कि 1973 में जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी और कहा गया था कि इसको ऑनल्टर नहीं किया जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता, इररिस्पेक्टिव ऑन ऑफ वॉर डेमोक्रेसी डिजाइनर्स थ्रू पार्लियामेंट, पहले ये समझिए कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में डेमोक्रेटिक तरीके से अगर कोई चाहे बेसिक स्ट्रक्चर की बातों को बदलना, उसके मुद्दों को बदलना, तो वो बदला नहीं जा सकता है। ऐसी बात 1973 में कही गई तो क्या यह ठीक है? वो सवाल उठाते हैं दोस्तों, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये प्रकार अंतर से वही सवाल उठाते हैं जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे और अभी मौजूदा सरकार की इच्छा से जो आए हैं, राज्यसभा में रंजन गोगोई साहब। यह रंजन गोगोई साहब ने अविश्वास प्रस्ताव पर जब चर्चा चल रही थी उस वक्त जो उन्होंने भाषण अपना दिया उसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की और बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरह से उन्होंने खारिज किया। प्रकार अंतर से उन्होंने एक किताब का हवाला दिया और कहा कि ऐसी बात उसमें कही गई है तो उनके उनका जो मकसद यही था कि बेसिक स्ट्रक्चर को हवा में उड़ाना है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करना है या चैलेंज किया जाना चाहिए।
इसके अलावा दोस्तों, देवराय साहब कहते हैं, इस लेख की मुख्य बात जो बिल्कुल आखिर में अंतिम लाइन में आई है कि वीरे पीपल हैव टू गिव यूर सेल्फ ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल साफ तौर पर कहते हैं, अब मेरा कहना है कि विवेक देवराय जो भी कहां गए हैं, उसमें एक तो वो बात कहते हैं जो महत्वपूर्ण बात है कि ये निवेशक लेगेसी है तो क्या, फंडामेंटल राइट अपने बेसिक लेगेसी है क्या हमारे देश के संविधान का, जो प्रेम बोल है इसमें समानता की बात है, इसमें लिबर्टी की बात है, जिसमें सौहार्द की बात है, इसमें समाजवाद की बात है, जिसमें धर्मनिरपेक्षता की बात है, सेक्युलरिज्म की बात है, क्या ये सब लिगेसी है? और दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बाद में जोड़ा गया, इसलिए वो 1950 में जो संविधान सामने आया था उसका पार्ट नहीं है। ये हास्यास्पद दलील है, यह बिल्कुल ये बेमतलब की दलील है। समूचे संविधान को अगर आप पढ़ जाइए, और जब सेक्युलरिज्म जोड़ा गया था प्रिय मूल में, उसके पहले के संविधान की सारी आप धाराओं को पढ़िए, सारे अनुच्छेदों को पढ़िए, आप पाएंगे कि भारत के संविधान की आत्मा में जम है, वो कहीं भी सेक्युलर वैल्यू उसको नेगेट नहीं करता। इसीलिए सेक्युलरिज्म शब्द अगर आ गया प्रिय मूल में बाद में जोड़ा गया तो ये कोई बेमतलब नहीं है। हाँ, समाजवाद के बारे में आप कह सकते हैं कि वो बहुत उस तरह से बेमतलब, उस तरह बहुत सार्थक नहीं है जिस तरह धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान के मूल में जोड़ना सार्थक है और जरूरी भी है। अब वो कहते हैं कि अपने बेसिक लेगेसी है, बार बार तो मेरा यह कहना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौजूदा सत्ताधारियों के सबसे बड़े आदर्श है, जनसंघ के संस्थापक वही है, और आज भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम होते हैं सत्ताधारियों के। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसी संविधान सभा में थे, वो क्या कर रहे थे? फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, चेयरमैन थे, और उनके नाम पर मौजूदा सरकार नौ जाने क्या क्या करती है और कहती है, बिल्डिंग बनाती है, उनके नाम पर मूर्तियां उनकी गलती है, फूल माला चढ़ाती है। यह अलग बात है कि जो अंबेडकर साहब चाहते थे उसका ठीक उल्टा काम करती है, और यही कारण है कि दलित समाज को, उत्पीड़ित समाज को, पिछड़े समाजों को मोबिलाइज करने के लिए वो अंबेडकर के नाम का ढाल इस्तेमाल करती है। लेकिन अंबेडकर को आज कहां जा रहा है कि औपनिवेशिक लिगेसी के संविधान के निर्माता थे, या कम से कम ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, अगर निर्माता ना कहे तो, क्योंकि यह सच है कि बाबा साहब के सपनों का यह संविधान नहीं है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो हमारा यह कहना है कि अगर आपको लगता है कि यह संविधान नाकाफी है तो क्यों नहीं डॉक्टर बी आर अंबेडकर के सपनों का संविधान आप बनाएं, अगर बनाने की का साहस हो, हिम्मत हो तो। एक ड्राफ्ट पेश किया था संविधान सभा के तमाम मेंबर्स के बीच में, और वो इससे भी ज्यादा रेडिकल संविधान चाहते थे। उसकी 111 उसका ब्लूप्रिंट था, प्रारूप था छोटा, जिसमें वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जिसमें वो कृषि को उद्योग का दर्जा देने की बात करते हैं, जिसमें वो समुचित भूमि के राष्ट्रीयकरण की एक तरह से बात करते हैं, एक तरह से फिर उसमें कॉपरेटिव सिस्टम की बात करते हैं। इस तरह की बातों से भरा हुआ है उनका ड्राफ्ट। लेकिन आप तो कर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सरकार का सारा जोर जो है वो कॉर्पोरेटाइजेशन पर है। अगर आज मौजूदा सरकार के कामकाज को आप देखिए तो कॉर्पोरेटाइजेशन और कम्युनलिज्म दो सबसे बड़े घटक है, सबसे बड़े कांस्टेंट है। इसलिए दोस्तों, विवेक देवराय जो कुछ कह रहे हैं उसको देखने के लिए हमें लगता है कि इतिहास में और वर्तमान में दोनों में उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये अचानक नहीं है, ये ठीक है कि सरकार चतुराई या जो भी आप कह लीजिए सच्चाई में इसको खारिज कर रही है, और इसको कैरिज है कि उसका भी वो नहीं है, लेकिन भारत के संविधान को बदलने का बहुत पहले से प्रयास है। जो मौजूदा सत्ताधारी हैं, इनके जो पूर्वज हैं और उसमें कई लोग अभी जीवित हैं, उनके कार्यकाल में भी संविधान की समीक्षा की कोशिश की गई, और अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो जो नेशनल कमीशन एक बना था जस्टिस वेंकट चलैया की अगुवाई में, तो वेंकट चलैया साहब की अगुवाई में संविधान समीक्षा का जो आयोग बना वो वाजपेयी सरकार में बना, और वाजपेयी सरकार ने, ये ठीक है क्योंकि वो प्रचंड बहुमत की सरकार नहीं थी, आरएसएस बीजेपी के लोगों की एक मिलीजुली सरकार थी, तो उसका जो कामकाज था और उसका जो एजेंडा था उसी के अनुरूप रखा गया था, मूल बदलाव की बात उसमें नहीं संभव थी। इसीलिए अगर आप उसके मेंबर का नाम सोनिया, उनके मेंबर्स का नाम सुनिए तो आपको लगेगा कि मिलीजुली सरकार जैसा एक मिलीजुली कमेटी भी है। अब उसमें वेंकट चलैया साहब थे, बीपी जीवन रेड्डी साहब भी थे, सरकारी या साहब भी थे, जी के पार आश्रम थे, और सुभाष चंद्र कश्यप के अलावा सी आर ईरानी और पी एस संगमा, ये सब लोग उसका मिशन के मेंबर थे। लेकिन समीक्षा की कोशिश की गई और कमीशन ने यह 2000 में बना था, सन 2002 में एक कमीशन ने रिपोर्ट दी,
1989 पेजेस की ये रिपोर्ट है। सिफारिशें उसकी नहीं मानी गई। कुछ सिफारिशें उसकी जरूर ऐसी थीं जिन पर काम किया जा सकता था, और उन छेदों में बदलाव, इस अनुच्छेद को उस अनुच्छेद में ले जाना, उसको ड्रॉप करना, कुछ ये जोड़ना, कुछ वो जोड़ना, इस तरह की सिफारिशें थीं। लेकिन मुकम्मल तौर पर अगर देखा जाए तो उस संविधान संशोधन या संविधान की समीक्षा के आयोग की रिपोर्ट को सरकारों ने नहीं माना, चाहे वाजपेयी सरकार की बात हो या बाद की बात हो। 2002 में वो कमीशन की रिपोर्ट सबमिट की गई थी। 2 साल बचता है वाजपेयी सरकार के लिए, लेकिन उस दर बयान भी कोई ऐसा फैसला नहीं हो सका था। लेकिन मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि संविधान बदलने की बात और एक हिंदुत्ववादी किस्म का संविधान रचने की बात यह गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता भी कहते रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि सन 2015 या 17 के बीच अनंत हेगड़े साहब, उन्होंने भी एक बार संविधान में संशोधन की बात की थी, बल्कि उन्होंने इसको बदलने की बात की थी। और भी बहुत सारे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के, जो एक नए संविधान की इच्छा जाहिर करते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता संविधान के प्रिय से लेकर और उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको मानते हैं कि ये प्रगति में बाधक है। बहुत सारी चीजों को मानते हैं कि प्रगति में बाधक है, और जाहिर है धर्मनिरपेक्षता तो उनको उनसे उससे तो उनको छिड़ा है, कतई नहीं चाहते। किस तरह का शब्द किसी भी तरह से वो टॉलरेट करें, सेक्युलरिज्म का कितना मजाक उड़ाया है भारतीय जनता पार्टी ने और आरएसएस के लोगों ने की। इस शब्द को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि ये बेहद खूबसूरत शब्द है। इसके पीछे का अर्थ, इसकी भावना, मानवता का एक समझ लीजिए कि उसका एक खूबसूरत मूल्य है जिससे कहीं भी मनुष्यता सुचिता सुंदर और सजीव बनती है। बिल्कुल आखिर में दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि संविधान बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इसके योजनाकारों की, यह कोई नई बात नहीं है। उनकी तरफ से यह लगातार कोशिश की गई है। इसलिए मैं विवेक देवराय के बयान को उनका महज निजी बयान नहीं मानता, जैसा कि उन्होंने बाद में इस बात को बार बार रेखांकित किया और हर जगह आप कहे जा रहे हैं कि नहीं साहब, यह तो हमारी निजी राय है, इसका सरकार से प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।